हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑफलाइन पीडीएफ कैसे क्रिएट करते हैं, मींस के विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीडीएफ क्रिएट करने के लिए तीन रास्ते हैं हमारे पास। एक तो अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है एमएस ऑफिस का, ठीक है, तो उसमें इनबिल्ट ऑप्शन आता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप विदाउट इंटरनेट डायरेक्टली पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा रास्ता है अगर आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्शन है, ठीक है, तो आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन पीडीएफ क्रिएटर, ठीक है। और तीसरा रास्ता है कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, क्लियर। उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ वन टाइम इंस्टॉलेशन रहता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो और उसके बाद वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और फिर आप कभी भी पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम वो थर्ड रास्ते के बारे में बात करेंगे कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करके भी पीडीएफ बना सकते हैं। तो कैसे, तो चलिए आइए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला रास्ता है, ठीक है, एमएस ऑफिस का, उसमें हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने वर्ड ओपन किया, क्लियर। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको पीडीएफ में डायरेक्ट सेव करना है मेरे को। तो अभी मेरे लैपटॉप में एमएस ऑफिस 2016 है, ठीक है, तो उसमें इनबिल्ट ऑप्शन आता है कि डायरेक्टली आप पीडीएफ सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सेव एज, क्लियर। यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं कि यहाँ के डायरेक्ट पीडीएफ का ऑप्शन है, क्लियर। पीडीएफ सिलेक्ट करके सेव, ठीक है। तो चलिए हम डेस्कटॉप पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो गया, क्लियर, ये पीडीएफ क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे, देखो यहाँ पे पीडीएफ सेव हो गया, ठीक है। इसमें गूगल क्रोम का आइकॉन है इसलिए आपको पीडीएफ नहीं दिखा रहा है, क्लियर। अभी दूसरा रास्ता, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट, देखो ऑनलाइन अभी आप सर्च कर सकते हो कि पीडीएफ क्रिएट ऑनलाइन, क्लियर। देखो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट की लिस्ट आ गई जिसमें से आप कोई भी वेबसाइट में जाके आप पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो। तो देखो अभी ऑनलाइन में क्या होता है कि बार बार आपको इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना पड़ता है और उसमें से बहुत सारी वेबसाइट की लिस्ट है, बार बार उसको ओपन करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी साइज लिमिट आ जाती है कभी कभी। कभी कभी आप 10 MB, 15 MB, ठीक है। तो उससे भी हमको आसान तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको Windows 7 में, ठीक है। ये Windows 10 है, उसमें मैंने 2016 इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें बाई डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है। अभी मैं आपको Windows 7 में जाके आपको डेमो दिखाता हूँ। देखो इसमें भी क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर का नाम लिख लीजिए आप। तो सबसे पहले हमें गूगल में जाके क्या सर्च करना है, क्यूट पीडीएफ राइटर, ठीक है। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। देखो इसमें सबसे फर्स्ट वेबसाइट आ गई, cutepdf.com। देखो यहाँ पे cutepdf की वेबसाइट ओपन हो गई और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड, तो उस पर आपको क्लिक करना है। देखो हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। देखो इसमें भी एक एडवांटेज है, साइज देखो आप, सिर्फ इसकी साइज 3 MB है, ठीक है, मतलब आपको इस सिस्टम को भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्लियर। अभी आपको ये डाउनलोड इंस्टॉल करना है। अभी मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है इसलिए मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूंगा। देखो अभी क्या करना है, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। उसमें हम कुछ टाइप करके कैसे पीडीएफ क्रिएट करना है देख लो आप, कंट्रोल पी करना है आपको। देखो जैसे हम प्रिंट निकालते हैं सेम वही इसी तरह,
कंट्रोल पी, और उसमें से प्रिंटर की जगह पे वहां पे ऑप्शन आ जाएगा, देखो क्यूट पीडीएफ राइटर, ठीक है, आपको उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर ओके। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपको पीडीएफ कहाँ पे सेव करना है, तो हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट्स आ गया, क्लियर, देखो वो पीडीएफ हो गया। देखो इसमें आपको सिर्फ वन टाइम इंस्टॉलेशन रहेगा, बाकी आपको कभी भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी, और इसमें कोई साइज लिमिट भी नहीं है, क्लियर। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियो की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।